घंटा बाकी है कश्मीर पर। दिल्ली में अहम बैठक शुरू होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली में कश्मीर के। दिल्ली से दरअसल कश्मीर के 14 नेता पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के साथ बैठक से पहले। इन नेताओं ने अलग अलग खेमों में अपनी अपनी बैठकें की थी। गुपकार संगठन ने अपनी बैठक 22 तारीख को की थी और फिर यह निर्णय लिया गया कि तमाम नेता पहुंचेंगे। और आज अब से ठीक एक घंटे बाद कश्मीर के 8 दलों के 14 नेता बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। एक घंटे बाद ये बैठक होनी है, यानी दिल्ली का लंच और फिर पीएम से कश्मीर पर बात। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ प्रधानमंत्री आवास से, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक सिंगल हमारे सहयोगी भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। मौसमी सिंह जटी हुई हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हिमांशु, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए, अब सिर्फ एक घंटे का वक्त है, कुछ ही देर में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बीते दिन से हम लगभग समझ लीजिए पिछले 3 दिन की जो हलचल है वो इन 8 तस्वीरों में दिखा रहे हैं, क्योंकि गुपकार संगठन के नेताओं ने बैठक की, 8 दल के नेता मिले, उन्होंने एक संयुक्त बयान भी दिया। गुपकार में दरार की बात आज सामने आ गई, क्योंकि महबूबा कहती है पाकिस्तान से बात करें पीएम। इधर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचते कहने लगे कि पीएम, अपने वतन के पीएम से मिलने आया हूं, पाकिस्तान से हमारा क्या वास्ता। बहरहाल इन तस्वीरों के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। अब 57 मिनट का इंतजार है, कुछ ही देर में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हिमांशु, देखिए बिल्कुल अंजना, कुछ देर में जो है नेताओं का जो है प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 2:30 बजे जो है रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता और निर्मल सिंह, वो तीनों नेता जो है यहां पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री आवास पर। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, जितेंद्र सिंह जो उधमपुर से सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, वो भी पहुंचेंगे। अजीत डोभाल एनएसए हैं, वो यहां पर रहेंगे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के जितने 8 राजनीतिक दलों को यहां बुलाया गया है उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव यहां रहेंगे। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने बात छेड़ी है, फारूक अब्दुल्ला ये बात जरूर जानते हैं कि ये बात अब यहां पर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की बातचीत जो है वो नहीं हो सकती है। बीजेपी की तरफ से ये स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया गया है, गोली और बोली जो है वो एक साथ नहीं होगी, तो ये कहा जा सकता है। और फारूक अब्दुल्ला से जब ये पूछा गया कि आपका एजेंडा क्या है, तो उन्होंने कहा मैं आपको अभी एजेंडा नहीं बताऊंगा, एजेंडा जो है मैं वो अपने वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा, मैं उनसे मुलाकात कर रहे आ रहा हूँ, बड़े दिल से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री ने की है। तो एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि खुले मुंह से तो सब आ रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने एजेंडे हैं। फारूक अब्दुल्ला भी अपने एजेंडे में कुछ ना कुछ लेके आए हैं। हाँ। धारा 370 को रिस्टोर करने का क्या वो मुद्दा उठाते हैं या पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर, मेरी जहां तक अभी मेरे सूत्रों से बात हुई है उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रोसेस उसको शुरू करने को होगा, कि डिलिमिटेशन का काम जिस तरीके से चल रहा है उसको तेजी से किया जाए। सभी राजनीतिक दल जो हैं डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जाकर अपनी अपनी बातें रखें, अगर उनको कोई चीज लगता है कि डिलिमिटेशन के सामने उनको रखनी चाहिए तो वो जाएं अपनी बात को रखें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया था डिलिमिटेशन की जितनी बैठकें की गई थी कमीशन के द्वारा, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के छोड़कर बहुत से अधिकतर राजनीतिक दलों ने जो है वहां पर प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात नहीं की थी, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह बैठक बुलाई है कि इलेक्ट्रल प्रोसेस जो है वो तेजी से शुरू हो और जम्मू कश्मीर का जो विकास है और डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा सुदृढ़ हो और मजबूत हो। जम्मू कश्मीर जो है विकास की रफ्तार अन्य राज्यों की तरह पकड़े, जिसमें राजनेताओं की हिस्सेदारी भी हो। अपनी राजनीति के हिसाब से हिमांशु सब डिलिमिटेशन से भी उम्मीदें रखते हैं, तभी नेता साफ कह रहे हैं कि जम्मू के साथ भी इंसाफ हो, कश्मीर के साथ भी इंसाफ हो, डिलिमिटेशन से क्या कुछ बदल सकता है, इस पर भी जितेंद्र आपकी जानकारी। और इसी के साथ जेएनके हाउस जो राजधानी में है वहां का नजारा भी जरा दिखाइए और बताइए कौन कौन है वहां पर, कितनी देर में निकल सकते हैं। जितेंद्र देखिए अंजना, जम्मू कश्मीर हाउस में सुबह से ही यहां पर गहमा गहमी दिखाई पड़ रही है, कई पॉलिटिकल नेता यहां पर मौजूद थे। कुछ देर पहले जो बीजेपी हेडक्वार्टर, बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर से जो जुड़े हुए हैं वो वहां गए थे मीटिंग के लिए, मीटिंग के बाद यहां पर रविंदर रैना और जो दूसरे बीजेपी के नेता हैं वो सारे पहुंच चुके हैं। साथ ही सज्जाद लोन अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी इधर गए थे बाहर, और यहां से थोड़ी देर पहले ये जम्मू कश्मीर हाउस यहां पर पहुंचे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती भी
भी इसी जम्मू कश्मीर हाउस में रुकी हुई हैं। यहां से 500 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास मौजूद है। मीटिंग के लिए करीब 2:30 बजे के आसपास ये बताया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल नेता हैं वो सारे लोग यहां से जाएंगे। पैंथर्स पार्टी के जो नेता हैं भीम सिंह की से हमारी अब से थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जब वो बैठक में जाएंगे उनके पास अभी तक कोई एजेंडा तो नहीं आया है, लेकिन उन लोगों के जो एजेंडे हैं उसमें साफ तरीके से उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा उनको चाहिए और उनकी जो स्थिति है वो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वैसे ही उनकी भी मांग बताई जा रही है। लेकिन पैंथर्स पार्टी का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए और यहाँ जो कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जम्मू कश्मीर हाउस में रुके हुए हैं सुबह से ही वो लोग कई जगह पर मीटिंग के लिए जा चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ से करीब 2:30 बजे के आसपास वो नेता निकलेंगे प्रधानमंत्री निवास पर, वहाँ पर बड़ी बैठक होगी और उस बैठक में ये लोग अपने अलग अलग एजेंडे के साथ जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने पहले ही साफ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के पहले की स्थिति थी वो स्थिति बहाल की जानी चाहिए। वहीं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उन्होंने भी अपने एजेंडे साफ कर दिए हैं। अब देखना ये होगा सरकार इस पर आने वाले दिनों में किस तरीके का कदम उठाती है।